बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 बरतानिया का बादशाहत और उसकी अहमियत, बादशाहत और उसका किरदार, बादशाहत और उसके इख्तियारात। ये सवाल, बादशाहत से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो उसके अंदर हमने ये लिखना है जो मैं अभी बताने लगी हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे वही तारुफ है। तारुफ के अंदर है, अमेरिका में तमाम इख्तियारात का सरबराह सदर होता है, जबकि बरतानिया में नजरियाती तौर पर तमाम इख्तियारात का सरचश्मा ताज बादशाह या मलका होता है। बरतानिया में बादशाह को सदियों से इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और बादशाहत के इदारे को एक मुकद्दस इदारा समझा जाता है। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि बरतानिया में बादशाह एक इलामती किरदार है जिसने पूरे मुल्क को एक वहदत में जकड़ा हुआ है और उसे पूरे मुल्क में इतिहाद की इलामत समझा जाता है। 17वीं सदी से पहले बादशाह के इदारे को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे। तमाम इंतज़ामी, अदालती और कानून साजी के इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ बादशाह को हासिल होते थे, लेकिन 17वीं सदी के आगाज़ में यही बादशाहत और पार्लियामेंट में तसादम शुरू हो गया। एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1688 में बादशाह के इख्तियारात को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। 1707 में आखिरी बार मलका एन ने अपना वीटो का हक इस्तेमाल किया था, उसके बाद आज तक किसी ने वीटो का हक इस्तेमाल नहीं किया। 20वीं सदी में बादशाह के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए और पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम कर दिया गया और तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए गए। ये इसका तारुफ था। अब आ जाते हैं इसकी हेडिंग्स की तरफ और इसकी आउटलाइंस की तरफ। नंबर 1 तारुफ, नंबर 2 बादशाह और ताज में फ़र्क, नंबर 3 बरतानिया में बादशाह का किरदार और इख्तियारात। ए सियासी इख्तियारात, बी इंतज़ामी इख्तियारात, सी कानून साजी का इख्तियारात, डी अदालती इख्तियारात, एफ मजहबी इख्तियारात, जी खसूसी इख्तियारात, एच मुत्तफ़िक इख्तियारात। नंबर 4 की मेन हेडिंग में लिखेंगे बादशाह की अहमियत और ज़रूरत। अब बादशाह की अहमियत और ज़रूरत क्यों थी? ए इज़्ज़त और तकरीम की अलामत थी, बी रवायत पसंदी, सी शाह पसंदी, डी दौलत मुश्तरका के इतिहाद की अलामत, ई मुसलहा कौम, एफ मुस्तकिम हुकूमत, जी समाजी रहनुमा, एच पार्लिमानी निज़ाम में बादशाहत की ज़रूरत, आई कौमी इतिहाद की अलामत, जे महदूद बादशाहत कोई रिकावट नहीं, के इजाज़ात का सरचश्मा, एल बादशाहत पर उठने वाले अखराजात बराए नाम हैं, एम बादशाहत के तजर्बात की अफादियत, एन करामो बिल की अहदे के तलख तजर्बात, और नंबर 5 पर इसको हासिल कलाम करके हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब हासिल कलाम अलमुख्तसरन, बरतानिया में बादशाहत की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। ताज हमेशा ज़िंदा रहता है। बरतानिया में बादशाह को सदियों से इज्जत की निगाह से देखा जाता है और बादशाहत के इदारे को एक मुकद्दस इदारा समझा जाता है। ये ख़त्म हो गया है पहला लेक्चर।